हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर दें। आज मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल ऑमलेट, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। आप अपने बच्चों को ऐसे सब्जियाँ डाल के ऑमलेट बना के खिला सकते हैं, जो बहुत ही ईजी और बच्चे लोग बहुत ही मज़े लेके खाएगा। चलिए देखते हैं स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे मेन चीज़ जो है इसका, वो है अंडा। यहाँ पर मैंने 4 अंडा लिया है और साथ ही लिया है वेजिटेबल्स में से ये आलू लिया है मैंने। इसको धो के मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक काट लिया है और उसी के साथ लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गाजर, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट लिया है। और साथ में लिया है मैंने एक प्याज, उसको भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही में लिया है मैंने यहाँ पर बीट रूट, जिसको चुकंदर भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, वो लिया है मैंने। और थोड़ा इसमें लिया है मैंने लाल कैप्सिकम, ये थोड़ा सा लिया है। और लिया है हरी मिर्ची, वो आप तीखा के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को पहले गैस पर गर्म कर लिया है और उसी में डाल दे 1 चम्मच तेल। अब तेल की जगह पे बटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। साथ ही में डाल दे जो आलू को मैंने बारीक काट लिया था उसको, और थोड़ी देर इसको हिलाते रहे। और इसको हिला के इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दे। नमक ऐड करके इसको थोड़ा सा हिला के ढक्कन लगा के बारीक गैस पे 1 मिनट तक इसको पकाए। 1 मिनट होने के बाद ढक्कन हटा के इसको थोड़ा सा चला ले। और साथ ही में इसमें ऐड कर दे जो बीट रूट मैंने लिया था उसको, क्योंकि वो भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसकी वजह से। और उसके साथ डाल दे गाजर, इसको थोड़ी देर हिला के इसको भी ढक दे। और इसको ढक के 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाए ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। अब इसको थोड़ा सा चला ले और साथ में जो बाकी वेजिटेबल्स बचा हुआ है वो सब इसमें डाल दे। आप लोग वेजिटेबल्स में बीन्स वगैरह भी ले सकते हैं इसमें, वो भी चलता है। इसको थोड़ा सा सॉटे करके गैस को ऑफ कर दे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर जो अंडा लिया था मैंने उस पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दे। नमक हिसाब से डाले क्योंकि सब्जियाँ फ्राई करते वक्त भी हमने उस पर थोड़ा सा नमक डाला था। और चीज़ ऐड करेंगे एंड में, वो चीज़ में भी थोड़ा नमक रहता है। अंडे को बहुत ही अच्छी तरह से फेंट ले। अंडा फेट जाने के बाद बाकी जो सब्जी हमने फ्राई करके रखा था वो सब इसमें ऐड कर दे। सब्जी ऐड करके उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला ले ताकि ऑमलेट बहुत ही अच्छा फ्लफी बने। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। उसी कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल दे। तेल की जगह पे अब बटर भी डाल सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद जो मिक्सर था उसको पूरा डाल दे उसमें और थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर दे। अच्छा से इसको स्प्रेड करने के बाद आप इसको ढक दे और ढक के इसको लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक पकाएं। 1.5 से 2 मिनट हो चुका है, इसको आप चेक कर लेते हैं। अब ढक्कन हटा के ये देखते हैं नीचे से पका है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी तरह से नीचे से पक चुका है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है इसका। इससे ज़्यादा ना पकाए, फिर ये जल सकता है। अब इसको देखते हैं कैसा पलटना है। एक प्लेट ले लें, वो प्लेट में अंडे को एकदम धीरे से आपको डालना है, ज़्यादा गड़बड़ ना करें।
नहीं तो अंडा टूट सकता है। अब इस कढ़ाई में इसको धीरे धीरे हाथों से लेके इसको पलट देना है। अब इसको ढक के 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। इसको चेक कर लेना है कि बहुत अच्छी तरह से पका है कि नहीं। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दे ताकि सब्जी अच्छा से बैठ जाए। अब इसको ढक के 5 से 10 सेकंड थोड़ा सा इसको पकने दे। ये हमारा ब्रेड ऑमलेट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए कितना अच्छी तरह से पका है। अब इसको एक प्लेट में पहले धीरे धीरे डाल दे। और फिर जो आपका सर्विंग प्लेट रहेगा वो ये अंडे के ऊपर डाल दे। और फिर इसके धीरे से उल्टा कर ले। ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा चीज़। अगर आपको चीज़ पसंद है तो चीज़ आप डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बच्चे लोगों को चीज़ देंगे तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा। अब मैं इसको काट के दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।